अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बचे हुए चावल से, एकदम टेस्टी और बहुत मज़ेदार और अच्छे लगने वाले, होटल से भी बढ़िया। ये मैं हमेशा घर में ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ। जब भी चावल मेरा बच जाता है तो मैं ये वाली डिश बनाती हूँ, फ्राइड राइस। और जैसे ढाबे में बनती है ना, उससे भी कई ज़्यादा अच्छी और बढ़िया बनती है घर में। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए, मैं सभी साइड में कर देती हूँ। पहले यहाँ पे लेंगे हम पहले चिकन। ये मैंने देखो अच्छे से धो ली इसको। अब इसमें एक मसाला लगाना है और नमक डालना है बस। और इसको ये मसाला लगाना है, ये वाला। ये कोई भी दुकान में मिल जाता है आराम से, चिकन की या फिर कोई किराने दुकान में भी, मारवाड़ी वगैरह के सब जगह पे ये आराम से मिल जाता है। ये देखिए, मैं ये वाले चम्मच से एक चम्मच भर के लूँगी। इसमें और कुछ भी नहीं डालना है, बस इतना ही ये डालना है। और स्वाद के हिसाब से नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें एकदम अच्छा सा कलर आ जाएगा, लाल कलर। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है इसमें। इस तरह का इसमें कलर आएगा, बहुत टेस्टी लगता है ये वाला मसाला। सिर्फ नमक और ये मसाला इसमें ऐड करना है बस, और हमें कुछ भी नहीं डालना है इसमें। देखिए बनाना कैसे है। ये सारी चीज़ें जो है ना, हमें बाद में लगेगी। अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे हम लोग, जब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। ये देखिए, मैंने एक बड़ी साइज़ की कढ़ाई ली हूँ। आप चाहे तो फ्राइड राइस बनाने वाली लोखंड की कढ़ाई भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर जर्मन की कढ़ाई का यूज़ करी हूँ। ये बड़ा ही बिग साइज़ की कढ़ाई है। और इसमें एक चम्मच भर के तेल डाली और गैस को भी बड़े आँच पर रखी हूँ। और तेल अच्छे से गर्म होने देंगे आप। ये देखिए, तेल अब हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। और इसको रखते हुए भी हमें 5-10 मिनट हो गए। अब इसमें ये सारा हमको डालना है चिकन, जो मसाला लगा के रखे हैं ना, ये बस। बड़ी आँच पर इसको पकाना है पहले अच्छे से। बड़ी आँच पे हमको चिकन को अच्छे से पकाना है। देखिए कितना अच्छे से कलर आ चुका है इसमें, बहुत जल्दी से पक जाता है। गैस को बिल्कुल भी हमें बारीक नहीं करना है। बोनलेस चिकन भी मैंने, ये बिना हड्डी वाला, इसी तरह से चला चला के पका ले। चिकन के टुकड़ों को ना इसी तरह से छोटा छोटा कट करे और तेल में गल जाने तक पकने दे। और टुकड़े छोटे करने से क्या होता है ना, चिकन एकदम जल्दी जल्दी गल जाता है। हर फ्राइड राइस में चिकन के टुकड़े भी छोटे छोटे ही होते हैं ना, इसके लिए हमने इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े काटे हुए मैंने। इसे इसी तरह से चला चला के पका ले। देखिए चिकन अब हमारे यहाँ पे अच्छे से गल चुका है। इसे मैंने 10 मिनट तक ऐसे ही चला चला के पका ली। देख सकते हैं आप चिकन एकदम हमारा अच्छे से गल चुका है। अब ये सारा मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी अलग से, तेल को अच्छे से निकालते हुए इसको साइड में निकाल लूँगी। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से हमारा ये चिकन गल चुका है। इस तरह से सारा ये चिकन मैं निचार के निकाल लूँगी। गैस को अभी मैं यहाँ पे बारीक कर लूँगी। पहले हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये घर का पीसा हुआ है मेरा, दरदरा पीसी हूँ मैंने इसको। इसको एकदम 2 मिनट के लिए इसी तेल में चला लेंगे। गैस को यहाँ पे हमें बड़ा नहीं करना है, बारीक ही रखना है। अदरक लहसुन 2 मिनट भून जाने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। इस तरह से देखिए पंखुड़ियों में मैंने कट कर ली हूँ प्याज। ये सारी डालेंगे, हमें ज़्यादा पकाना नहीं है प्याज वगैरह को, सिर्फ 2-2 मिनट तक ही चला लेना है।
यहाँ पर हम गैस को बड़ा कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची का पेस्ट। इसमें मैंने लहसुन, नमक और हरी मिर्ची, ये कोफ्ती वाली हरी मिर्ची ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो ये डाल देंगे हम छोटे चम्मच से, एक चम्मच। यहाँ पे मिर्ची का भी कच्चापन एकदम ख़त्म हो चुका है एक दो मिनट के बाद। अब इसमें डालेंगे हम गाजर, ये मैंने चॉप कर ली थी बारीक। इसमें डालेंगे पत्ता गोभी, इस तरह से इसे काटिए, आप चाहे तो इसे कोई भी शेप में काट सकते हैं। और थोड़ी सी प्याज की पत्ती, इसको भी हम अच्छे से एकदम चला लेंगे। माशाल्लाह देखिए हमारी सब्जियां कितनी अच्छी लग रही है, कितनी खूबसूरत दिख रही है, आप देख सकते हैं। और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं, सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करना है। अब हम इसमें डालेंगे चावल, ये पहले से ही पके हुए चावल है, तो ये बचा हुआ चावल था, तो मैं इसका फ्राइड राइस में इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका वाकई में बहुत अच्छा फ्राइड राइस बनता है, इसीलिए ये चावल मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। माशाल्लाह ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, खिले खिले चावल एकदम। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच भर के सेजवान चटनी, ये देखिए मैंने घर में बनाई थी, इसकी भी रेसिपी मैंने यूट्यूब पे डाली हूँ मेरे चैनल पे, आप ज़रूर मेरे चैनल पे जाके ये रेसिपी देखिए, बहुत बढ़िया बनी है। एक चम्मच भर के देंगे हम लोग सेजवान चटनी। एक चम्मच भर के लेंगे टमाटो सॉस। एक चम्मच लेंगे सोया सॉस। आधा ढक्कन लेंगे विनीगर। आप इसमें अंडे का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसमें अंडा नहीं डाली हूँ। अब इसे अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। गैस को बारीक ना करें, गैस को बड़े आंच पे रखना है हमको। माशाल्लाह ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं हमारे फ्राइड राइस। यकीन मानिए कि ये होटल से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ढाबे वगैरह पे जो हम खाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लगते हैं ये। मैंने इसमें शिमला मिर्ची का यूज़ नहीं किया क्योंकि बच्चे वगैरह और मैं, मुझे भी शिमला मिर्ची पसंद नहीं है ना, इसके लिए मैंने डाली हूँ। अगर आपको शिमला मिर्ची पसंद है तो आप इसमें शिमला मिर्ची का यूज़ करें और अंडे का लें। ये देखिए अच्छे से चला ली मैंने इसको। माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे फ्राइड राइस दिख रहे हैं, खाने में भी उतने लजीज और टेस्टी लगते हैं ये। इसमें डालूंगी मैं स्वाद के हिसाब से ज़रा सी नमक। अब इसमें डालूंगी मैं हमारा तला हुआ चिकन, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें डालते के साथ। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत दिख रहा है ना ये तला हुआ चिकन, और देखिए कितना अच्छे से गल गया ये। इसे भी अच्छे से चला लेंगे हम। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने के देखने को मिलेगी। माशाल्लाह ये देखिए खुशबू भी बहुत अच्छी छुपी है इसकी। इसे ऐसे ही चलाते हुए 5-10 मिनट पका लेंगे। पाँच से 10 मिनट मैंने इसको अच्छे से चला चला के पका ली, और मुझे भी अच्छे से एकदम टाइम पे आ चुका है, उसको बहुत पसंद है, स्कूल से आ गया बच्चा,
उसको भी बहुत पसंद है फ्राइड राइस। मुझे फ्राइड राइस खाएगा ना मम्मा? फ्राइड राइस मेरी पसंदीदा। आइस फ्राइड राइस, फ्राइड राइस। हाँ बहुत अच्छी बनी थी, खुशबू आ रही ना। हाँ। तो निकाल दे भी प्लेट में खा ले। हाँ मैं जाता जाता। बार बार मैं लेके आ रही। हाँ। बन गया ये। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने अच्छे से हमारी फ्राइड राइस बन चुकी है। और मुझे को भी बहुत आते के साथ घर में घुसते के साथ बोला कि फ्राइड राइस बना रहे, बिना देखे पहचान लिया घर में खुशबू के साथ ही। तो देखिए अभी मैं ये प्लेट में निकालूंगी, सर्व करूंगी शेजवान चटनी के साथ। माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी फ्राइड राइस बनी है। यहाँ पे मैं गैस को बंद कर दूंगी। माशाल्लाह बहुत खुशबूदार, बहुत लजीज फ्राइड राइस लग रहा है। थोड़ा सी मैंने चख के देखी और देखिए ये शेजवान चटनी घर की बनी हुई, इसके साथ हम लोग सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल MS रसोई व्लॉग को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़। टीवी का आवाज़ बारीक कर मुझे। मैं गोश्त खाऊंगा। और ये कहाँ जा रहा है?